मजा बहुत आ रहा है यार, बट पीछे पीछे वाली तरफ बैठे हैं बिल्कुल बाहर की तरफ। और देखो नेहरो वृंदावन का गेट है ये, यहाँ से वृंदावन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद से अब हम गोवर्धन की तरफ चलेंगे। और ये मुड़ गए हम गोवर्धन की तरफ। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं इस वक्त गोवर्धन, और गोवर्धन पर बहुत जबरदस्त ट्रैफिक हो रहा है, बहुत रश है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमें हमारे जो जिसमें हम आए थे जो एक जुगाड़ ऑटो फटपटिया जुगाड़ ऑटो टाइप का होता है उसने हमें 1 किलोमीटर पहले उतार दिया, क्योंकि ट्रैफिक इतना जाम है कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। आप पीछे देख सकते हैं अभी 1 किलोमीटर दूर है, अगर आप बोर्ड पे देखो ट्रैफिक हो रहा है, अगर आप बोर्ड पे देखो तो अभी भी 1 किलोमीटर दूर है गोवर्धन यहाँ से, लेकिन हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा खुद ही अपने आप। अभी हम पैदल पैदल निकलेंगे, 1 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, उसके बाद फिर गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट होगी। जो हमने आरंभ कर दी है, हमारे राइट हैंड साइड पर है ये सारा गोवर्धन पर्वत है ये, और यहाँ से अब आपको गेट के अंदर आकर आपको वो भी मिल जाएंगे ई रिक्शा वगैरह भी। और ई रिक्शा वगैरह जो है फेस्टिवल के टाइम पर उनके मनमाने रेट होते हैं, लेकिन अगर आप वैसे आते हो तो बार्गेन कर सकते हो अपने हिसाब से, और इस पर बैठ के परिक्रमा पूरी कर सकते हो अपनी, इस पर बैठ के परिक्रमा पूरी कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों से चला नहीं जाता, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनको आए हैं और करनी है परिक्रमा तो फिर वो कर लेते हैं। दोस्तों 14 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद हालत हो गया बिल्कुल टाइट, सर पे चढ़ गया धूप, और अब हमने स्टार्ट कर दी है राधा कुंड की परिक्रमा। और ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, ये मार्केट है, एक गली से निकल कर आती है, और ये इन गलियों में से ही निकल कर ये 7 किलोमीटर पूरे होते हैं राधा कुंड की परिक्रमा के भी। पैरों में दर्द और खिंचाव आ गया मसल्स के अंदर, और मेरे तो एक छाला भी हो गया राइट वाले पैर में, मैं थोड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ अब। करते राधा कुंड तक पहुँचे। राधा कुंड को वो जगह माना जाता है यहाँ पे राधा अपनी सखों के साथ स्नान किया करती थी, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे साबुन तेल इन सब शैम्पू इन सब चीज़ों का मतलब वो है मना किया हुआ है, इससे कुंड गंदा हो जाए, कुंड गंदा होता है, पोल्यूटेड होता है, पोल्यूशन बढ़ता है इससे, क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स होते हैं वो और मेन तो सब, तो इसका जो इकोसिस्टम होता है तालाब का खुद का वो बर्बाद हो जाता है उससे। और काफ़ी तरह के हम लोग देख रहे हैं वो आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे परिक्रमा करके लोग स्नान करने आते हैं तो उससे ये एक
रहता है, थोड़ा ठंडक मिलती है, पानी से छूकर जब हवा आती ठंडी हो जाती है, हमें भी काफ़ी शांति मिल रही है, आराम मिला थोड़ा यहाँ पे। गोवर्धन की परिक्रमा तो पूरी कर ली है, बहुत थक गए हैं, इसके पैर में छाला हो गया राइट वाले में, अभी काफ़ी थक गए, नशे वशे खिंच गए टांगे की। अब थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए हमने एक कचौड़ी ली है और एक आपका लस्सी ली है। श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार। हाँ, ये श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार। वहाँ से निकले कचौड़ी और लस्सी पी के, लस्सी तो बहुत ज़बरदस्त थी, कचौड़ी के अंदर जो मसाला गिरा हुआ था वो काफ़ी अच्छा था, मसाले वाली कचौड़ी बोलते हैं जिसको, है ना, मसाले वाली कचौड़ी होती है, इसके अंदर प्रॉपर एक मसाला तैयार करा जाता है और उसको मसाले को डाला जाता है। लस्सी ने एक तरीके से हमको रिवाइव कर दिया। हाँ, बिल्कुल मर चुके थे, अब थोड़ी सी जान आई है कि हम वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ से हमें वृंदावन का वो मिलेगा, साधन मिलेगा जाने के लिए, साधन मिलेगा, फटफटिया मिलेगा यार, कुछ भी कह लो यार। अभी हम आया फोगला आश्रम। फोगला आश्रम के अंदर एक भोजनालय तरीके का कुछ है, श्री जी सदन कर है ये, और इसके अंदर एक भोजनालय में एक प्रसाद भी रखा रहते हैं जिसका एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस लेते हैं, 80 रुपये की थाली होती है, जो भी मतलब पर्सन होगा उसके आपको लेनी पड़ेगी, चाहे एक पर्सन हो, दो पर्सन हो या 10 पर्सन हो, पर थाली आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी होता है, लंच भी होता है और डिनर भी होता है। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग सुबह 8 बजे से आई थी, 8 से 10:30 तक है ब्रेकफास्ट की टाइमिंग, और लंच है 12:30 से 3:30 तक, और डिनर आपका 8 बजे लग जाता है और उसके बाद 10:30 तक का खाते हैं। बाकी अभी यहाँ पर देखते हैं, तो हमने दे दिया है अमाउंट, अभी लगने लगेगा टेबल्स पर लोग आने लगे हैं। सिंपल था। हाँ, सिंपल था, इतना वो नहीं था, हैवी खाना ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल भी कोई इसके अंदर हैवी मसालों का यूज़ नहीं हुआ,
बहुत सिंपल, मतलब एकदम घर का साधारण खाना जैसा हम खाते हैं उस तरीके का खाना था। इसलिए रात मस्त नींद आया, दुखी ना हुआ खाना खा के? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, मतलब हमें तो अच्छा लगा खाना, बिल्कुल सिंपल सिंपल तवे की रोटियाँ थी। हाँ, बाकी आपने देख ही लिया खाने में क्या था, राइस भी थे वो भी फसमा राइस थे, बॉयल्ड कर रखे थे वो भी अच्छा था, और प्लस में एक पापड़ के लिए थोड़ी सी जंग हो गई, पापड़ काफ़ी लेट आया, सभी में जंग हो गई थी एक तरीके से। हाँ, वहाँ पर थोड़ा शोर शराबा मच गया था यार, पापड़ बड़ा ही वैसा हो गया था, यूनिक चीज हो गई थी, यूनिक चीज हो गई थी, जैसे मतलब इनकी स्पेशलिटी हो गई पापड़, ये पापड़ नहीं मिला तो मतलब मील पूरी नहीं होने वाली। बट जो भी था ओवरऑल अच्छा था खाना, और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि अगर आप सिंपल खाना खाना चाहते हैं, सिंपल खाना ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर जाएँ, श्री जी सदन करकर है वो, आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे लोग वहाँ पर, और 8 बजे वहाँ पर बुफे मतलब खाना लगता है, उस हिसाब से ही आप देख लेना अपना टाइमिंग वगैरह जैसा भी है। तो अभी मैं करता हूँ।